जय जोहार संगवारी हो, आप मन के स्वागत है सीजी किचन विद झरना में। एक गिलास पानी ला एमा डाला था मैं हाँ, एकदम स्वादिष्ट और नया तरीका के नाश्ता हमन बनाने वाला हन। एक चम्मच में हाँ यहाँ पास नमक ला डाला था और एक चम्मच देसी घी। अब एमा ना हमन हाँ पानी में उबाल आवन देबो। एक मिनट में उबाल आ जाही पानी में, ये देखो अच्छा से उबाल आ गए है ना। अब चम्मच में मैं हाँ इला मिला ले हूँ तो घी नमक सब अच्छा से मिल जाही। यहाँ पास मिल गए हैं। अब यहाँ पास मैं छोटे कटोरी में ना दो कटोरी चावल के आटा ला नाप के ले हाँ। चावल आटा लेना है संगवारी हो यहाँ पास। अब अच्छा से सबूला ऊपर नीचे मिला देबो। ध्यान रखो कि पानी अच्छा गरम और खौलत रही ना, तबे आटा ला डालना है। अब अच्छा से सबला मिला देबो। गैस के आँच ला थोड़ा कम कर देता हूँ मिलाए के टाइम में, नहीं तो फिर आटा हा जल जही। अब सबला अच्छा से ये देखो हमन हा मिला दे हन और एला ना मैं हाँ 2 से 3 मिनट पर ढक दे हूँ। गैस के आँच ला एकदम कम में ही रखना है हमन ला। यहाँ पास 2 से 3 मिनट हो गए है, हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो गए है, एकदम रुई जैसे सॉफ्ट हो गए है आटा हा। अब एला मैं दूसरा बर्तन में खाली कर लेता हूँ, पलट लेता हूँ और एला ठंडा होवन देबो। 5 से 10 मिनट में ठंडा हो जाए। ये देखो बहुत अच्छा से ठंडा हो गए है, बिल्कुल भी गरम नहीं है। तो अच्छा से इला हमन हा मिला मिला के आटा ला गुथ लेबो। यहाँ पास हल्का से ना पानी की जरूरत रही तो गरम पानी ही लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो मैं थोड़ा से गरम पानी ला और डाल ले हाँ। अब अच्छा से सॉफ्ट आटा यहाँ पास हमन हा गुथ लेबो। बहुत आसानी से होते और बहुत जल्दी ये नाश्ता हा बनते। तो यहाँ पास एकदम सॉफ्ट हमारे आटा है गुथा गए है और हमन छोटे छोटे इसने गोल गोल बना ले हन। बहुत ही आसान तरीका से बन जाते ये है। देखो आटा गुथा है, बस गोल 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 बना लेना है। अब यहाँ पास मैं 3 गिलास पानी लटा ले हाँ। ओकर ऊपर में हमन हर रखबो पोहा छन्नी। पोहा छन्नी तो हर घर रही थे ना, बस एकदम सिंपल तरीका से बताओ था मैं हाँ, सिर्फ पोहा छन्नी रखना है। अब ओकर ऊपर में जो चावल आटा के हमन गोल गोल बनाए हन, एकदम गोल गोल छोटे छोटे हमन इडली बनावत हन। तो देखो एकदम ना इडली ला नया स्वरूप दे हन और एकदम न चावल पीसना है न चावल ला भिगा के रखना है, एकदम झटपट तैयार होते ये वाले इडली हम। तो सब ला हमन डाल ले हन। अब गैस ला मैं हाँ ऑन कर ले हाँ और गैस के आँच ला हमन मीडियम में रखबो। अब एला मैं हाँ एक थाली में ढक देता हूँ। अब 15 मिनट भर हमन हाँ एला पकन देबो। 10 से 15 मिनट लगी तो 15 मिनट भर हमन हाँ एला मीडियम साइज में पकन देबो। ये 15 मिनट हो गए है। अब मैं गैस ला बंद कर दे हूँ और देखो निकाल के दिखलाता हूँ, इतना सॉफ्ट एकदम रुई जैसे सॉफ्ट बने हैं। अब गैस में मैं तावा ला चढ़ाए हूँ। तो यहाँ पास मैं हाँ 2 से 3 चम्मच तेल ला डाला था। आप मन कढ़ाही भी ले सका था, कढ़ाही में भी बना सका था। अब 1 चम्मच में हाँ यहाँ पास राई डाला था। राई ला अच्छा से तड़कन देबो। अब यहाँ पास थोड़ा से हींग, चुटकी भर हींग डाले हैं। अब 1 चम्मच उड़द दाल बिना छिलका वाला, 1 चम्मच चना दाल, बहुत अच्छा टेस्ट आते है घर से, और थोड़ा से कढ़ी पत्ता। अब और यहाँ पास सबला मिला देबो हमन हा। अब 1 में हाँ मिर्च डाला था, आप मन मिर्च ला ज़्यादा कर सका था। अब जो हमन तैयार करे हैं छोटे छोटे गोल गोल इडली, ओला डाल देबो और गैस के आँच ला हमन हा कम में ही रखबो। अब सब ला पूरा अच्छा से ऐसे डाल देना है और बस अब सब ला मिलाबो हमन हा और गैस के आँच ला कम में ही रखबो। बस मिला देना है हल्का हल्का हाथों से और एकदम सॉफ्ट आप मतलब बहुत पसंद आई, आप मन एक बार जरूर ट्राई करो। अब इला में है ना 2 से 3 मिनट बार ढक देता हूँ। ढक के थोड़ा से हमन हा और इला पका लेबो। तो 2 से 3 मिनट यहाँ पास हो गए है। अब एला मैं निकाल लेता हूँ। देखो एकदम खिले खिले और एकदम सुंदर से दिखा थे। अब यहाँ पास लास्ट में मैं धनिया पत्ती और ऐड कर देता हूँ। धनिया पत्ती डाले से बहुत अच्छा टेस्ट आते। धनिया पत्ती डाले के बाद हमन एला अच्छा से मिला देबो और यहाँ पास मैं गैस ला बंद करता हूँ। अब एला मैं यहाँ प्लेट में निकाल लेता हूँ। ये हमारा नाश्ता तैयार, एकदम सुंदर सुंदर गोल गोल और आप मन देख ही सकते हो कितना सॉफ्ट बने हैं ये हा।
जितना सॉफ्ट है उतना खाए में भी बहुत टेस्टी है। तो आप मन एक बार ज़रूर ट्राई करो, और आप मन ला ये वीडियो पसंद आए हो ये तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।